हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और यहाँ पे हम कंपेयर करने वाली है जो आपकी लेटेस्ट NS आई है उसका MT के साथ, क्योंकि दोनों आपको पता ही होगा कि दोनों अप्रॉक्सीमेट सेम प्राइस में आती है। MT थोड़ी सी कॉस्टलियर साइड में है, बट फिर भी दोनों का कंपेरिजन करना काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि प्राइस पॉइंट से अगर आप 200,000 के अप्रॉक्सीमेट कोई बाइक खरीदना चाह रहे हैं तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो कर लेते हैं पहले थोड़े से चेंजेस की बात कि MT में तो ऐसा कोई चेंज अभी तक नहीं आया है, पहले जैसी आती थी वैसे ही आ रही है। NS में यहाँ पे इन्होंने फुल LED हेडलाइट दे दी है और आपका डिजिटल मीटर दे दिया है, इंडिकेटर जो है वो आपके LED दे दिए, और थोड़े बहुत स्विच कंसोल जो होते हैं वो डिजिटल मीटर को मैच करने के लिए, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को मैच करने के लिए नया स्विच कंट्रोल दिया है। बाकी ओवरऑल जो आपकी इंजन परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग और टायर्स और जो भी मतलब बॉडी में है वो सारी चीज़ें सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो पहले की जो परफॉर्मेंस थी वही है, बट फिर भी नई बाइक है तो करना बनता है कंपेयर। बाकी NS आपको पता ही है कि 200cc की बाइक है, लिक्विड कूल इंजन के साथ आता है, 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ आता है, SOHC इंजन है, 24.5 PS की पावर देता है और 18.7 Nm का टॉर्क। वहीं पे अगर आप MT की तरफ आओगे तो यहाँ पे VVA टेक्नोलॉजी मिल जाती है, 155cc का इंजन है आपका, 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ आता है, लिक्विड कूल इंजन है और साथ में ही इसकी जो पावर है वो 18.4 PS की और जो टॉर्क है वो 14.2 Nm का है। तो छोटे इंजन की वजह से पावर और टॉर्क दोनों ही NS से काफ़ी ज़्यादा कम है, बट VVA टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पे टॉप एंड में कहीं ना कहीं इसको हेल्प मिल जाती है। तो कर लेते हैं दोनों ही बाइक्स के साथ ड्रैग और एक तो यार इतनी कॉम्पैक्ट बाइक है ना MT कि मेरे को थोड़ा सा मतलब मेरी हाइट की वजह से 6'2" हाइट है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसको चलाने में। निकल चुकी है भाई, लगता है काफी आगे निकल गई है। तो भाई ये देखो टॉर्क और पावर का जो डिफरेंस है ये यहाँ पे दिख रहा है, अपने चीरते हुए रफ्तार से, और मैं नहीं लगता ये वहां पकड़ पाएगी। यहाँ फैंस कमेंट करें, टॉर्क और पावर का जो डिफरेंस है ये यहाँ पे दिख रहा है। भाई क्या ही टॉप एंड जाएगी मेरे वेट पे MT, एक तो इतनी कॉम्पैक्ट बाइक है, सही से लीन भी नहीं हो पा रहा मैं, और मुझे नहीं लगता मेरे वेट पे बहुत ज्यादा टॉप एंड जा पाएगी ये। बहुत ज्यादा आगे, भाई लिमिटर नहीं लग रहा है विंड ब्लास्ट की वजह से, 140, 144, 145 के ऊपर नहीं जा रही है, क्योंकि 155 cc का इंजन है और
छोटा इंजन है, 18.4 पीएस की पावर दे रहा है। मोस्ट ऑफ दी आपकी 200 सीसी की जो बाइक्स हैं वो आपकी अप्रॉक्सीमेट 25 के आसपास पावर देती है। मतलब यार कितना ज़्यादा डिफरेंस है पावर में, समझ रहे हो। तो टॉप इन में अगर हल्के राइडर के साथ या वीवी टेक्नोलॉजी के साथ खींच भी लेती है गाड़ी, बट जब आप ड्रैग कर दो जहाँ पे आपको एक्सेलरेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको टॉप स्पीड जल्दी पकड़नी है, तो वहाँ पे आपको दिख जाता है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है पावर में। कितना ही जाएगी पता नहीं, 135-136 गई होगी, इससे ज़्यादा क्या ही जाएगी। मैंने बाद में रोक दी थी, फिर मुझे याद आया कि इसको रोकने का कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं पड़ पाएगा तो राइडर चेंज करते हैं भाई, अब देखते हैं। कर चुके हैं राइडर चेंज और अब मैं चलाऊंगा एनएस। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे वेट के साथ भी एनएस ने एक्सेलरेशन में एमटी को हरा दिया है। तो आप समझ सकते हो कि एनएस का एक्सेलरेशन कितना तेज है भाई। एमटी एनएस का मुकाबला नहीं कर सकती किसी सूरत में। भाई देखो कितनी तेजी से भागे जा रही है, कितनी तेजी से एनएस भागे जा रही है। एनएस निकल गई है, धूल देखो धूल। डीपीए टेक्नोलॉजी एक्टिवेटेड है। चल 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 जा भाई। और एमटी वाला भाई बहुत पीछे रह गया, और देखता टॉप इन अचीव करती है नहीं करती है एनएस। 143, 144, 145, 147। सबसे कम ही टॉप स्पीड पकड़ ली होगी, मरी जा रही टॉप स्पीड पकड़ने में। के आसपास इसकी भी टॉप एंड है, सेम जो पुरानी वाली एनएस की जो टॉप एंड आती थी वही टॉप एंड इसकी भी है। ओ भाई, बीबीए नहीं काम करता इसका, कोई डिफरेंस नहीं है टॉप एंड में ज्यादा। तो भाई देखा आपने कितनी ब्रूटली इसने एमटी को हराया है। भाई जब तक वीवीएफ पकड़ेगी तू तब तक दिल्ली पहुंच जाएंगे भाई, तब तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। तब तक वो टॉप स्पीड अब नहीं पकड़ लेती है जब तक एनएस अपने लिमिटर ना मारे 151 पे। मतलब ये केस आप सुन लो, हवा आपके साथ होनी चाहिए, राइडर का वेट 60 केजी से कम होना चाहिए, और हो सकता है थोड़ी सी ढलान हो, तब जाके कहीं 5-7 किलोमीटर बाद एमटी एनएस को बीट कर सकती है इन सारी सिचुएशन के साथ। ऐसे तो बाइक कर ही नहीं सकती। तो ये थी ड्रैग रेस, बाकी सोशल मीडिया हैंडल मेरा एंड एक्सप्लोरर, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, शेयर कर दीजिए मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड के साथ। इसी के साथ राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज राम सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।